गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हरियाणा की आन बान शान दीन बंधु सर छोटू राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब भी हम हरियाणा की बात करते हैं दीन बंधु सर छोटू राम का नाम तो आ ही जाता है, हरियाणा जी के की हम बात करें, ठीक है, तो प्रशासनिक मामलों की हम बात करें तो हर क्षेत्र में लगभग हमको राजनीति के मामले की जब हम बात करते हैं दीन बंधु सर छोटू राम का नाम सबसे आगे देखने को हमको मिलता है। दीन बंधु सर छोटू राम की जब हम बात करते हैं तो दीन बंधु सर छोटू राम को गरीबों का मसीहा के नाम से जाना जाता है, किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है और इनको रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असली नाम की जब हम बात करते हैं सर छोटू राम का असली नाम राय रिचपाल हो जाएगा। राय रिचपाल असली नाम क्या था? राय रिचपाल था। तो चलिए आज की इसी वीडियो में हम जो हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों की सीरीज जो चल रही थी उसमें जो आज हम बात करेंगे वो दीन बंधु सर छोटू राम पर बात करेंगे। और दीन बंधु सर छोटू राम से रिलेटेड जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में उनको मद्देनजर रखते हुए ही हम आपको बताएंगे सर दीन बंधु छोटू राम के बारे में। दीन बंधु छोटू राम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपको ये जो चार जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कभी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है हरियाणा के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं। तो देखिए, गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, रहबर ए आजम। अब देखिए, किसानों का मसीहा सर छोटू राम को कहा जाता है, इतना सभी को पता है, लेकिन गरीबों का मसीहा सर छोटू राम को कहा जाता है ये भी सभी को पता है, लेकिन रहबर ए आजम जो कि आप बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ठीक है। हम करते क्या है, हम पहले विश्लेषण करते हैं, चीजों को खोजते हैं अच्छे से, उनका एनालिसिस करते हैं अच्छे से, तब हम खुद को जब अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको बिल्कुल नया मिला होगा क्योंकि बहुत कम ये जो हमने ढूंढा है, मतलब बहुत कम कंटेंट इस पर है, ठीक है। असली नाम की आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। असली नाम क्या है? असली नाम है दीन बंधु सर छोटू राम की, जब हम असली नाम की बात करते हैं तो राय रिचपाल है। क्या है? राय रिचपाल। राय रिचपाल सर दीन बंधु छोटू राम का असली नाम हो जाएगा। और इस क्लास की जो खास बात है, खास बात यह है कि इस क्लास में आपको साथ के साथ समझाने के साथ साथ आपको याद भी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, याद कराने और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है चीजों को, हरियाणा जीके को आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में उतारने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो चलिए, अब जो दीन बंधु सर छोटू राम की जब हम बात करते हैं तो दीन बंधु सर छोटू राम पहली बात तो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, रहबर ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। और असली नाम की हम बात करें सर दीन बंधु छोटू राम की तो असली नाम हो जाएगा राय रिचपाल, ठीक है। उसके अलावा हम जन्म की बात करें, उनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ, ठीक है। दीन बंधु सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को हुआ। 24 नवंबर 1881 को जन्म होता है, कहाँ पे होता है? गढ़ी सांपला के अंदर होता है। ये गढ़ी सांपला क्या है? गढ़ी सांपला एक गांव है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? रोहतक जिले के अंदर है, ठीक है। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर गढ़ी सांपला नामक गाँव है और इसी गढ़ी सांपले नामक गाँव के अंदर सर छोटू राम जी का जन्म होता है। और जन्म होता कब है? 24 नवंबर 1881 को होता है, ठीक है। तो जन्म की हम बात कर ले, मृत्यु की बात कर लेते हैं, निधन कब होता है? 9 जनवरी 1945 को लाहौर के अंदर सर छोटू राम का निधन हो जाता है। अब 1945 को निधन हुआ है, उस टाइम क्या था? उस टाइम जो इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में था। अब उसके बाद 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो जब आज़ादी मिलती है तो विभाजन भी हो जाता है, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बढ़ जाता है जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। अब हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, जो अब लाहौर जो है ये लाहौर पाकिस्तान के अंदर पड़ रहा है। लेकिन जब हम सर छोटू राम के निधन की बात करते हैं तो सर छोटू राम का निधन बंटवारे से पहले ही 1945 में हो गया था, ठीक है।
9 जनवरी 1945 को लाहौर में हो गया था। लाहौर फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला कौन से जिले के अंदर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के, ठीक है। होता का भी जन्म 24 नवंबर 1881 को होता है, ठीक है। ये तो सामान्य सा जो परिचय था सर छोटू राम के बारे में वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। पिता के हम बात करें, पिता का नाम हो जाएगा सर छोटू राम के पिताजी का नाम है चौधरी सुखीराम, ठीक है। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? सर छोटू राम जी के पिताजी का नाम है चौधरी सुखीराम, ठीक है। तो ये सामान्य सा परिचय था, ठीक है, जो कि बेसिक सा सर छोटू राम के बारे में जो ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस पे हम आपको लेकर चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहला जो है 1911 की हम बात करेंगे तो 1911 में क्या है, देखिए थोड़ा सा और पहले चलते हैं, 1903 में क्या होता है, 1903 में जो अपनी सर छोटू राम जी हैं वो अपनी 12वीं तक की शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सन 1911 में क्या है, सर छोटू राम क्या करते हैं, सर छोटू राम लो की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, लो की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और लो की डिग्री से पहले सर छोटू राम की जो शिक्षा रही थी वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से रही थी। सेंट स्टीफन कॉलेज आप सभी जानते हैं, सुना होगा, दिल्ली में सेंट स्टीफन जो कॉलेज है इसी कॉलेज के अंदर से सर छोटू राम जी की जो शिक्षा हुई थी वो ग्रेजुएशन जो हुई थी इसी कॉलेज से हुई थी दिल्ली के अंदर, ठीक है। 1911 में सर छोटू राम ने जो सर छोटू राम जी हैं उन्होंने लो की डिग्री प्राप्त कर ली थी, ठीक है। उसके अलावा 1912 में सर छोटू राम जी ने चौधरी लालचंद के साथ वकालत शुरू कर दी थी, ठीक है, वकालत का काम करना शुरू कर दिया था 1912 से सर छोटू राम ने। किसके साथ में शुरू किया था, ये इंपॉर्टेंट है, चौधरी लालचंद के साथ में किया था, ठीक है। 1911 में डिग्री प्राप्त कर ली थी लो की, उसके अलावा 1912 में काम शुरू कर देते हैं वकालत का सर चौधरी छोटू राम जी, ठीक है। कब कर देते हैं? 1912 में कर देते हैं। किसके साथ करते हैं? चौधरी लालचंद के साथ करते हैं। और 1912 में ही एक सभा का गठन करते हैं जिसको जाट सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1912 में क्या क्या था, सर छोटू राम जी ने एक तो चौधरी लालचंद के साथ में वकालत करना शुरू कर दिया और एक जाट नामक सभा का गठन किया। एक क्या किया? जाट नामक सभा का गठन किया, ठीक है। उसके अलावा हम 1913 की बात करें तो 1913 में जाट स्कूल रोहतक के अंदर इसका भी जो स्थापना की थी सर छोटू राम जी ने 1913 के अंदर रोहतक में ही सीधी रोहतक में ही जन्मे थे कौन? सर चौधरी छोटू राम। तो जब चौधरी दीनबंधु सर छोटू राम रोहतक में जन्मे थे, रोहतक के अंदर ही 1913 में क्या करवा देते हैं, जाट नामक स्कूल का गठन करवा दिया था सर छोटू राम ने। 1915 की हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, 1915 का जो क्वेश्चन है, ठीक है। 1915 में जाट गजट अखबार शुरू किया, हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, हरियाणा का सबसे पुराना अखबार कौन सा है, अगर ये बात आ जाती है तो आपको करना है जाट गजट, ठीक है। ये अखबार शुरू किसने किया था? सर छोटू राम ने शुरू किया था। कब किया था? 1915 में शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? ये शुरू किया था रोहतक से। कहां से शुरू किया था? रोहतक से, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। सर छोटू राम ने 1915 में क्या किया था, जाट गजट नाम का हरियाणा का सबसे प्राचीन अखबार शुरू किया था, ठीक है। किस नाम से किया था? जाट गजट के नाम से। और जाट स्कूल की हम बात करें तो जाट स्कूल रोहतक के अंदर सर छोटू राम ने स्थापित करवाया था 1913 में। 1912 में जाट सभा का गठन किया, 1913 में जाट स्कूल का गठन किया, ठीक है। 1915 में जाट गजट नामक अखबार को शुरू किया रोहतक से ही, जो कि हरियाणा का सबसे पुराना अखबार था, ठीक है। ये तीनों जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1915 का जाट गजट अखबार है, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अखबार भी है, सर छोटू राम के द्वारा शुरू किया जाता है, रोहतक से शुरू किया जाता है, 1915 में शुरू किया जाता है। 1916 की बात करें तो 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया सर छोटू राम ने। देखिए रोहतक के अंदर सर छोटू राम जी क्या क्या करके गए हैं, कांग्रेस कमेटी का गठन कर गए कब? सबसे पहली बार कांग्रेस कमेटी का गठन किया रोहतक के अंदर सर छोटू राम ने 1916 में। रोहतक के अंदर रोहतक से जाट गजट नामक हरियाणा का सबसे प्राचीन अखबार शुरू करके चले गए 1915 में।
उससे पहले 1913 में सर छोटू राम जी जाट स्कूल नामक रोहतक में स्थापित करके कर किया था। उससे भी पहले हम जाए तो 1912 में सर छोटू राम ने जाट सभा का गठन किया था, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करें सर छोटू राम जी की, तो अगस्त 1920 में सर छोटू राम ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ देने का कारण क्या था? देखिए, पहली बात तो सर छोटू राम कांग्रेस को अच्छी जमात के नाम से पुकारते थे। मतलब जो सर छोटू राम जी थे, सर छोटू राम जी कांग्रेस को अच्छी जमात कहते थे। क्या कहते थे? कांग्रेस को अच्छी जमात कहते थे। लेकिन इसी अच्छी जमात को कहीं पे कुछ समय पहले सर छोटू राम इसको 1916 के और 1920 के बीच में क्या कह रहे थे? कांग्रेस को अच्छी जमात कह रहे थे। लेकिन 1920 में सर छोटू राम इसी अच्छी जमात को, इसी कांग्रेस को छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण क्या था? क्योंकि 1920 की जब हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन आप सबको पता है, असहयोग जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू होता है। तो ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में जो सर छोटू राम जी थे उनके विचार थे कि ये जो आंदोलन जो है ये किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के हित में ना होने की वजह से सर छोटू राम जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन है उसकी वजह से भी और कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था। क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी वो किसानों के प्रति, जो किसानों के जो हित थे उनको कम ध्यान में रखकर वर्क कर रही थी। तो इसलिए जो सर छोटू राम है, आपको पता तो है सर छोटू राम किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। तो किसानों के मसीहा के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा त्याग, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत बड़ा योगदान सर छोटू राम जी देकर गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सर छोटू राम जी मंत्री भी बने थे 1924 में, और मंत्री जब सर छोटू राम बने थे तो उस समय में सर छोटू राम ने किसानों के भले के लिए, किसानों के हितों के लिए कई बिल पारित करवाए थे, कई अधिनियम पारित करवाए थे, ठीक है। तो उन अधिनियमों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो 24 में सर छोटू राम क्या बन जाते हैं? मंत्री बन जाते हैं। 1937 में सर छोटू राम को नाइट की उपाधि मिलती है। नाइट की उपाधि इसलिए मिलती है क्योंकि सर छोटू राम किसानों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि सर छोटू राम जी किसानों और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान अपना देकर गए थे, और उस बड़े योगदान की वजह से आज जब हम हरियाणा जीके की बात करते हैं, या फिर हम हरियाणा की राजनीति की जब हम बात करते हैं, या फिर हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे के अंदर जब हम बात करते हैं, तो सर छोटू राम का नाम सबसे पहले आता है। वो इसीलिए आता है कि सर छोटू राम बहुत बड़ा योगदान किसानों और गरीबों के लिए अपना देकर गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं सर छोटू राम जी के योगदान के बारे में। देखिए, सर छोटू राम द्वारा पास करवाए गए निम्नलिखित कानून, क्योंकि 1924 में सर छोटू राम क्या बन गया था? मंत्री बन गया था। अब मंत्री बनने के बाद सर छोटू राम ने कौन कौन से कानून पारित करवाए, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से अधिनियम पारित करवाए, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिनियम आपको सामने दिखाई दे रहा है, कर्ज माफी अधिनियम 1934, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्ज माफी, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कर्ज माफी अधिनियम 1934, ये जब उस समय में जब ये एक्ट पारित करवाया गया था तो सर छोटू राम जी मंत्री के पद पर थे, और सर छोटू राम जी ने कर्ज माफी अधिनियम 1934 को पारित करवाया, ठीक है। यहीं से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर छोटू राम का जो योगदान रहा है गरीबों और किसानों को लेकर कितना बड़ा रहा है, ठीक है। तो कर्ज माफी अधिनियम 1934 पारित करवा कर गए सर छोटू राम। सर छोटू राम जी कर्ज राहत संशोधन अधिनियम, अब देखिए जो अधिनियम जो था 1934 का कर्ज माफी वाला, अब एक और इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया, कर्ज राहत संशोधन अधिनियम 1940 और 1943, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें साहूकार पंजीकरण अधिनियम 1938 को पारित करवा कर गए सर छोटू राम। उसके अलावा हम बात करें गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी अधिनियम, सर छोटू राम इस अधिनियम को भी पारित करवा कर गए थे। सर छोटू राम कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938 को भी पारित करवा कर गए थे। 1938 में सर छोटू राम ने दो अधिनियम पारित करवाए, साहूकार पंजीकरण अधिनियम 1938, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938, और 1940 में भी सर छोटू राम ने दो अधिनियम पारित करवाए थे, कर्ज राहत संशोधन अधिनियम 1940
ठीक है, और व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, ये दोनों अधिनियम सर छोटू राम पारित करवा कर गए थे। तो यहीं से ही, इन्हीं अधिनियमों से ही हम सर छोटू राम के किसानों और गरीबों के योगदान के बारे में जान सकते हैं और सर छोटू राम के योगदान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि सर छोटू राम कितना बड़ा योगदान किसानों और गरीबों के लिए देकर गए हैं। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, कभी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सर छोटू राम से रिलेटेड अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इनसे बाहर नहीं मिलने वाला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अब हम करते हैं फटाफट रिवीजन जो अब तक हमने पढ़ा है दो मिनट के अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करें सर छोटू राम, जो कि गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, रहबर ए आजम के नाम से जाने जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सर छोटू राम का असली नाम क्या है। सर छोटू राम का असली नाम राय रिछपाल था। अब सर छोटू राम का नाम छोटू राम क्यों पड़ा, क्योंकि सर छोटू राम अपने भाइयों में सबसे छोटे भाई थे और सभी इसको फैमिली में सभी उनको फैमिली में छोटू के नाम से पुकारते थे, और धीरे धीरे सर छोटू राम का नाम छोटू राम पड़ जाता है। और जब सर छोटू राम स्कूल में अपना एडमिशन कराने गए थे, इस सर छोटू राम के पिताजी चौधरी सुखी राम, तो एडमिशन के समय में सर छोटू राम का नाम बजाय राय रिछपाल के, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखवाया गया था, सर छोटू राम लिखवाया गया था। यहीं से सर छोटू राम को दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद हम बात करें जन्म कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था, गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर है, ये सब आपको पता है, याद हो गए हैं। निधन की हम बात करें 19 जनवरी 1945 को लाहौर के अंदर निधन हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में। पिताजी की हम बात करें, सर छोटू राम के पिताजी का नाम चौधरी सुखी राम था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर छोटू राम के बारे में। देखिए 1911 में लो डिग्री प्राप्त कर ली थी, ठीक है। उसके बाद 1912 में सर छोटू राम ने चौधरी लालचंद के साथ में वकालत शुरू कर दी थी, ठीक है। और 1912 में ही सर छोटू राम ने जाट गजट जाट सभा का क्या क्या गठन किया, और जाट गजट नामक अखबार को कब शुरू किया, 1915 में किया, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया, रोहतक से शुरू किया गया, ठीक है। 1913 की हम बात करें, 1913 में जाट स्कूल रोहतक के अंदर सर छोटू राम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। 1916 में हम बात करें, 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया सर छोटू राम ने, 1916 में पहली बार रोहतक के अंदर कांग्रेस कमेटी का गठन। और सर छोटू राम कांग्रेस पार्टी को अच्छी जमात के नाम से पुकारते थे, क्या कहते थे, अच्छी जमात कहते थे। लेकिन 1920 में सर छोटू राम कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। 1924 में मंत्री बन जाते हैं। 1937 में नाइट की उपाधि सर छोटू राम को दी गई थी। उसके अलावा हम बात करते हैं सर छोटू राम के द्वारा पारित करवाए गए कानूनों की, सर छोटू राम के योगदान की, जो कि भारतीय राजनीति में हमको सर छोटू राम की याद दिलाते हैं। कर्ज माफी अधिनियम 1934 सर छोटू राम के द्वारा पारित करवाया गया। कर्ज राहत संशोधन अधिनियम 1940 और 1943। साहूकार पंजीकरण अधिनियम 1938 सर छोटू राम द्वारा पारित करवाया गया था। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी अधिनियम सर छोटू राम द्वारा पारित करवाया गया था। कृषि मंडी अधिनियम 1938 सर छोटू राम द्वारा पारित करवाया गया था। और लास्ट एंड फाइनल व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 सर छोटू राम द्वारा पारित करवाया गया था। ये छोटू राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में सर छोटू राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसको सही कर पाएंगे, अगर जो मैंने आपको बताया है ये सब आपने ध्यान से सुना होगा। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके अलावा हरियाणा जीके की बाकी क्लासेज का भी आनंद आप ले सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स का भी आप आनंद ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है, इंडियन जीके का आनंद भी आप ले सकते हैं, इंडियन जीके की क्लास चल रही है, कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, हिंदी कोर्स चल रहा है, हरियाणा जीके का कोर्स चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको माइंडेड स्टडी 22 पर मिलेंगी, आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये सब आपको बता रहे हैं।
ताकि आप अपना जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी ही और बहुत कम समय में अपना माँ बाप का सपना पूरा कर सको। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, और इसके बाद हम कल मिलते हैं एक नए प्रमुख हरियाणा की आन बान के साथ, जो कि आपके लिए बहुत योगफुल होगी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, और आज शाम को मिलते हैं हम इंडियन जीके में। तो शाम को डिस्कस करेंगे इंडियन जीके पर, ठीक है। इंडियन जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, ठीक है, वो आप शाम को देख सकते हैं।